मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक नया ब्लॉग पे बहुत दिनों के बाद आप सभी को स्वागत करता हूं। क्योंकि मेरा मोबाइल खराब होने की वजह से मैं ब्लॉग वीडियो वगैरह बना नहीं पाया, तो आज मैं फाइनली बहुत दिनों के बाद बना रहा हूं। तो आज बहुत सारा काम मेरा करना है घर पे। मैं दूसरे जगह पे भी जाना था आज, लेकिन नहीं गया घर का काम की वजह से। आज दीदी के साथ मिल के काम करेंगे। ये देखिए, ये सब ये लकड़ी नहीं है, ये पेड़ है। इसको टॉयलेट का घर बनाने के लिए लेके आया था मैं कल बाजार से खरीद के, दुकान से। और सीमेंट बस्ता वो सब भी है। अब सभी को थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये सब प्लेट और उसमें है सीमेंट। अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, हाँ वो वाला ठीक है। वो ये पाइप है, तो इसका काम भी धीरे धीरे चालू हो जाएगा, लेकिन आज नहीं, आज दूसरा काम करना है घर का। और ये सबको भी थोड़ा सा एक साथ इकट्ठा करके रखना होगा एक जगह पे, नहीं तो बारिश वारिश आने से ना बिक जाता है। और इसमें देख सकते हो दोस्तों, ये जो सुपारी का पेड़ है ना, सुपारी का चारा, इसको भी उखाड़ के एक जगह पे रखना होगा। यहाँ पे तो पूरा लगाने के लिए जगह ही खत्म हो गया। सुपारी का पैर इस तरफ भी है, इसमें भी है सुपारी का पैर, और उसमें भी है, वो देखो वो भी है। तो बहुत सारा सुपारी का पैर है, वो सबको भी लगाना होगा मुझे दीदी के साथ मिलके। तो इसको थोड़ा सा मैं इकट्ठा करके एक जगह जमा करके रखता हूँ। पूरा ये मिट्टी में ही मैंने इसको फेंक दिया कल आने के बाद, मतलब मिट्टी में ही रख दिया मैंने। तो इसको उठा के मुझे अभी दूसरे जगह पे रखना होगा। ऐसे भी कल रात को ना बारिश आके ये सब थोड़ा बहुत बिक गया बारिश में। तो इसको क्या करते, कहाँ पे रखते, थोड़ा सा देख लेता हूँ मैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, अभी इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ टीन के ऊपर। घर का काम भी बहुत सारा होता है दोस्तों, क्या करें, करना तो पड़ेगा। ऐसे रहने से भी घर का काम ऐसे आ जाता है। अभी ये सब सुपारी का पेड़ को आज ही उखाड़ना होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ही काम बनने वाला है। तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं, तब तक आप लोग बने रहना। अभी सुपारी का पेड़ यानी चारा को उखाड़ने के लिए काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है दोस्तों। दीदी तो ऑलरेडी आके उखाड़ रहा है, मैं दूसरा काम कर रहा था, उखाड़ के खत्म होने ही वाला है। तो चलिए गाइस, कर लेता हूँ जंगल का सफाई। दीदी उस तरफ सुपारी का चारा वो उखाड़ रहे, हम जंगल का सफाई कर रहा हूँ। यहाँ पे लगाएंगे, ये देखो, ये देखो मेरा दाव में ना, ये जो पकड़ने वाला वो भी नहीं है, क्योंकि ये नया दाव खरीद के लेके आया था मैंने बाजार से। तो थोड़े देर के बाद इसको भी लगाऊंगा पकड़ने वाला। इसको सफाई करके इसमें लगाना है दोस्तों। मेरा आवाज तो सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है पता नहीं, अगर नहीं देने से माफ कर देना, काफी दूर है ये डिस्टेंस।
सफाई कर दिया दोस्तों। और अभी दीदी सुपारी का चारा लगाने के लिए गोदाल से, हम लोग कहते हैं गोदाल, उससे मिट्टी खोद रहे। ये जो जगह है ना दोस्तों, यहाँ पर भी बाद में इन फ्यूचर में घर वगैरह यहाँ पे बनाऊंगा ऐसा सोच रहा हूँ मैं, और एक घर यहाँ पे बिल्डअप करूंगा। तो उसके लिए टाइम लग जाएगा, और आप सभी का भी सपोर्ट चाहिए दोस्तों। काश मेरा यूट्यूब भी अगर सक्सेस हो गया, यूट्यूब में भी सक्सेस हो गया तो अच्छा होता। वो भी अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं हो पा रहा दोस्तों, क्या करें, सपोर्ट अच्छी तरह से नहीं मिल रहा हूँ। प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। और अभी दीदी सुपारी का चारा लगाने के लिए मिट्टी खोद रहा है। देखो पूरा घना जंगल है, ये देखिए यहाँ पे सुपारी का चारा लगाऊंगा। जस्ट ये टेम्पररी के लिए, बाद में यहाँ से भी उखाड़ के दूसरे जगह लगाऊंगा। तो चलिए काम शाम खत्म कर लेता हूँ दोस्तों। गाइस दीदी को एक चीज मिल गया, गजब का चीज, पता नहीं मेरे को भी, देखने जा रहा हूँ और आप सभी को भी दिखाता हूँ मैं। ओ तेरी, ये देखो गाइस, बैंग है, बैंग बैंग, ये देखिए गाइस, बहुत ही खतरनाक वाला। देखो उसका जो शरीर है ना कैसा है कलर, ये देखिए, ओएमजी, इसका शरीर ना व्हाइट व्हाइट और ग्रे टाइप का है। ये देखो मस्त है। तो चले गाइस, मेरा मोबाइल का बैटरी भी थोड़ा डाउन हो चुका है, तो अभी मुझे वीडियो भी समाप्त करना होगा दोस्तों। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करते रहना दोस्तों। आप सभी का सपोर्ट बहुत ही चाहिए मुझे। क्या वो देखो, सुपारी का चारा पूरा लगा दिया हूँ दीदी ने, ये देखिए नजदीक से दिखा रहा हूँ, ये देखो कितना सुंदर लग रहा है अभी ना। इसको भी बाद में यहाँ से उतार के फिर से दूसरे जगह लगाना होगा। तो आज का काम यही रहा, और यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत पानी भी डालना होगा। ये देखिए दीदी पानी डाल रहा है, क्योंकि लगाने के बाद पानी डालना पड़ता है दोस्तों, तब जाके मतलब जिंदा रहता है, सूख नहीं जाता है, क्योंकि ये नया नया उखड़ के लेकर आया ना दूसरे जगह पे, तो पानी डालना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मेरा ब्लॉग को यही मैं एंड करता हूँ, कल फिर से मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। बाय बाय दोस्तों एंड टेक केयर।